नमस्कार, आज हम बात करेंगे नॉमोनिक ध्रुवीय खमद्दे प्रक्षेप के बारे में, यानी नॉमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। इस प्रक्षेप को केंद्रीय ध्रुवीय खमद्दे प्रक्षेप भी कहा जाता है और इस प्रक्षेप के रेखा जाल को दो कल्पनाओं के आधार पर बनाया जा सकता है। पहला तो है प्रक्षेपण तल ग्लोब को ध्रुव पर स्पर्श करता हुआ और दूसरा है प्रकाश स्रोत ग्लोब के केंद्र पर स्थित है। यानी इसको दो कल्पनाओं के आधार पर बनाया जा सकता है। पहला तो है कि प्रक्षेपण तल कहाँ ग्लोब को कहाँ पर छू रहा है, ध्रुव पर, और दूसरे में क्या प्रकाश स्रोत कहाँ पर माना जा रहा है, ग्लोब के केंद्र पर। तो इस प्रक्षेप को जैसा कि कहा केंद्रीय ध्रुवीय खमद्दे प्रक्षेप भी कहते हैं। अब देखते हैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके आधार पर हम इस प्रक्षेप की रचना करते हैं। क्वेश्चन है 30 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर के मध्य स्थित क्षेत्र का 1:22,50,00,000 मापनी पर मानचित्र बनाने के लिए एक नॉमोनिक ध्रुवीय खमद्दे प्रक्षेप की रचना कीजिए और प्रक्षेप में अंतराल दिया हुआ है 20 डिग्री का। यानी 30 डिग्री उत्तर से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित क्षेत्र का 1:22,50,00,000 मापनी पर हमें मानचित्र बनाने के लिए एक नॉमोनिक ध्रुवीय खमद्दे प्रक्षेप की रचना करनी है और प्रक्षेप में अंतराल है 20 डिग्री का। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर निकालेंगे। आर क्या होता है आपके पृथ्वी के लघुकृत गोले का व्यास। तो इसमें जो आर का सूत्र होगा वो होगा पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटावा निरूपक भिन्न का हर। तो आर आपका पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास हो जाएगा 63,50,00,000 और निरूपक भिन्न का हर हो जाएगा 22,50,00,000। ये हो जाएगी आपकी मापनी जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। इसका जब आर निकल के सोल्व किया तो आर कितना निकल के आया है 2.82 सेंटीमीटर, यानी 2.82 सेंटीमीटर अपने पास आर निकल के आ गया। अब इसके इस आर के आधार पर अपन क्या करेंगे, एक ध्रुवीय नॉमोनिक ध्रुवीय खमद्दे प्रक्षेप की रचना करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक आर कितनी थी अपनी 2.82 है, तो 2.82 सेंटीमीटर की क्या करेंगे लाइन खींच लेंगे। तो 2.82 का है ना, इतना हो जाएगा ये 2.82 सेंटीमीटर का, इतना वो कर लेंगे और इतना ही अपन इसके ऊपर भी खींच लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इतना हो गया। अब इतनी ही दूरी प्रकार में भर के 2.82 सेंटीमीटर की दूरी अपन प्रकार में ले लेंगे और ये चाप काटते वृत्त का चतुर्थांश बना लेंगे अपन। ये 2.82 सेंटीमीटर की लाइन खींची, इतनी ही दूरी का चाप करके अपन ने चाप काट लिया। ये अपन नाम दे देते हैं ओ, इसको दे देते हैं एन डैश और यहाँ पे ए। ठीक है, इतना हो गया। अब तक अपने 2.82 सेंटीमीटर की लाइन खींच के इतनी दूरी का चाप लेके एक वृत्त का चतुर्थांश खींच दिया या काट दिया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखिए अंतराल विस्तार कितना है, मतलब क्षेत्र का विस्तार कितना है वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन में क्षेत्र का विस्तार दिया हो अपना 30 डिग्री उत्तर से लेके 90 डिग्री उत्तर के मध्य स्थित क्षेत्र है ना। तो अपन को सबसे पहले तो क्या करना है, 30 डिग्री का कोण बनाना है और फिर 30 के बाद अपन को कितने कितने का अंतराल रखना है, 20-20 का अंतराल रखना है। सबसे पहले तो 30 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि 30 डिग्री उत्तर से स्टार्ट हो रहा है क्षेत्र का विस्तार और उसके बाद अपन को कोण 90 डिग्री तक का विस्तार करना, तो उसके लिए अंतराल कितना रखना होगा 20 डिग्री का। तो सबसे पहले अपन 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर उसके बाद 30 के बाद 20-20 के रखेंगे अपन है ना। 30 के बाद ये 50 का हो जाएगा एक और फिर ये 60 और ये 70 का हो जाएगा, फिर 80-90 के तो ये हो जाएंगे।
तो ये कोण हो गए। अब इनको अपन मिला देंगे। ये 30 वाला, फिर ये 50 का, और ये 70 वाले हो गए। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो ये एन डॉट बिंदु है, यानी ये वाला बिंदु है, यहाँ से एक ओ ए के समानांतर एक सीधी रेखा खींचेंगे, यानी एन डॉट बिंदु से अपन ओ ए, यानी एन डॉट ये हो गया और ओ ए, इसके समानांतर एक क्या करेंगे, सीधी रेखा खींचेंगे। वो कितनी सेंटीमीटर रख लेना, क्योंकि बाद वाली अपन रफ कर देंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, जो कोण बनाए थे आपने, ये 30 डिग्री का कोण था, इस रेखा को, इस कोण को अपन इस रेखा पे इतना बढ़ाएंगे जहाँ कि ये आपस में क्रॉस करे। जैसे अगर अपन इस कोण को आगे तक ले जाए तो इस रेखा को कहाँ पे काट रहा है, यहाँ तक, तो इसको अपन आगे यहाँ तक बढ़ा देंगे। ऐसे करते हुए अपन 50 डिग्री के कोण को भी आगे बढ़ाएंगे, जैसे ये यहाँ तक हो जाएगा, और इसको अपन बढ़ा देंगे यहाँ तक। ठीक है, अब इसको अपन नाम दे देते हैं, बी ये हो गया था, ए हो गया था, तो ये इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, और बाकी की लाइन को अपन रफ कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। क्या किया, सबसे पहले आर निकल के आया अपना 2.82 सेंटीमीटर, इतनी दूरी का लाइन खींचने और इतना ही दूरी का अपन ने चाप लेके ये चाप काट दिया, यानी वृत्त का चतुर्थांश बना दिया। फिर उसके बाद अपन ने इसमें एक तो 30 डिग्री का कोण बनाया, 30 का इसलिए क्योंकि क्षेत्र विस्तार 30 से स्टार्ट हो रहा है, और फिर उसके बाद 30 के बाद 20-20 के कोण बनाए, 20 डिग्री के इसलिए क्योंकि अंतराल 20 का है। फिर उसके बाद अपन ने एन बिंदु पे एक लंब खींचा या सीधी सरल रेखा खींची, और इन कोणों को उन रेखा तक आगे तक बढ़ा दिया जहाँ तक कि ये रेखा उसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे अपन, एक सीधी रेखा खींच ली, कितनी लंबी लेना ना, जितनी काम आएगी वो रख लेंगे, बाकी अपन रफ कर लेंगे। यहाँ पे अपन ने बी नाम दे दिया। ठीक है, एक सीधी रेखा खींच ली अपन ने। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसको अपन नाम भी दे देते हैं, एन बिंदु। ठीक है, ये एन बिंदु नाम दे दिया। अब क्या करेंगे अपन, जो ऊपर जो डायग्राम बनाया था, यानी जो कोण और आर त्रिज्या के माध्यम से, आर के माध्यम से जो कोण बनाए थे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एन डॉट पे, यानी यहाँ पे प्रकार की नोक रखते हुए प्रकार को बी बिंदु जितना खोल लेंगे, यानी इतनी दूरी अपन प्रकार में ले लेंगे, एन डॉट से बी बिंदु तक की दूरी प्रकार में ले लेंगे, और फिर यहाँ पे एन बिंदु पे उस प्रकार की नोक रखते हुए क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, ये बन गया। क्या किया अपन ने, एन ये वाली दूरी प्रकार में ली, इतनी दूरी को प्रकार में लेने के बाद इतनी दूरी का एन बिंदु से लेके क्या कर दिया, एक वृत्त बना दिया। फिर उसके बाद सेकंड क्या करेंगे अपन, एन डॉट से लेके सी बिंदु तक की दूरी प्रकार में लेंगे, यानी इतनी दूरी अपन प्रकार में लेंगे और वो ही एन बिंदु पे रख के और क्या कर देंगे, चाप काट देंगे, चाप नहीं वृत्त बनाएंगे इसका। टेढ़ा हो रहा है, ये सेकंड चाप वृत्त भी अपन ने बना लिया। अब इसके बाद जो लास्ट का रहा है
एन डॉट से लेके डी बिंदु तक की दूरी, यानी ये वाली दूरी अपन प्रकार में लेंगे। ये वाली दूरी प्रकार में लेंगे और इतनी दूरी का एन बिंदु से क्या कर देंगे, एक और वृत्त बना देंगे। ठीक है, ये तीनों व्रत अपन ने बना लिए, यानी ये अक्षांशों के लिए अपन ने व्रत बना लिए। अब अपन को क्या करना है, देशांतर बनाना है। तो देशांतरों के लिए अपन क्या करेंगे, कोण बना देंगे। कितने कितने डिग्री के, 20 20 डिग्री के। वो अपन इसको नाम दे देते हैं, अपन ई और एफ नाम दे देते हैं इस रेखा को, सीधी रेखा को। तो अपन एन एफ के से यहाँ से अपन क्या करेंगे, 20 20 डिग्री के कोण बना लेंगे। सबसे पहले हो जाएगा ये 20 का, फिर 40 का, 60 का, 80 का, 100 का। ध्यान रखना इसमें 90 का नहीं बनेगा क्योंकि अंतराल 20 20 का है। 120, 140, 160 और 180 का। इसी तरह 20 20 के अंतराल पे अपन इधर भी कोण बना लेंगे। ये 110 का बन गया, एक सौ बीस, 140, 160। ठीक है, ये कोण बना लिए दोनों तरफ 20 20 के अंतराल पे। अब इन को अपन क्या करेंगे, स्केल की सहायता से एन बिंदु से मिला देंगे। इस तरह से अपन सभी को यहाँ से मिलाते जाएंगे ऐसे। ये सभी देशांतरों को अपन ने एन बिंदु से मिला दिया। अब इन पे अपन नाम डाल देते हैं। ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये 20 डिग्री, 40। ऐसे करते करते अपन 20 20 के अंतराल पे इन पे डिग्रियाँ डालते जाएंगे। ये 180 डिग्री, इसी तरह इधर भी डाल देंगे। एक सेकेंड,
ये देशांतर हो गए। अब अक्षांश के लिए अपना विस्तार कहाँ से था? 30 डिग्री से था, तो ये 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री, सॉरी 60 नहीं आएगा, 50 आएगा, क्योंकि उसके बाद 20 20 का अंतराल था, तो 30 के बाद 20 के अंतराल पे 50 आ जाएगा यहाँ पे, 50 डिग्री, और ये आ जाएगा 70 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री हो ही जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। नीचे अपन डाल देते हैं स्केल, ये हो जाएगा आपका ईस्ट और ये वेस्ट, यहाँ स्केल 1,22,50,00,000। ठीक है, ऊपर अपन हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग हो जाएगी इसकी, जाएगी नॉर्मोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। तो इस तरह अपना नॉर्मोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन बन के तैयार है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। ये पूरा इसका डायग्राम।